एम्पायर शूटिंग शॉटिंग टेलरिंग। आदाब नाज़रीन, A1 टीवी उर्दू रेचर न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आज की अहम खबर यह है की बूंदी इरन्ना रथ का कंपाउंड और मस्जिद के कंपाउंड का मुतालिबा। मासूम महबूब अली, रायचूर शहर के अशोक डिपो से आम तालाब जाने के रास्ते पर जो उरकुंदी इरन्ना मंदिर का रथ लबे सड़क रखा गया है, जबकि वहीं रूबरू मंदिर की जगह मौजूद है और उसी के बाजू में मस्जिद की जगह मौजूद है। मस्जिद और मंदिर से ताल्लुक रखने वाले कई हजरात ने रुकने असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल से ये मुतालिबा किया है कि रथ का कंपाउंड और मस्जिद का कंपाउंड के लिए MLA फंड से जल्द करवाया जाए। इस मौके पर शेख मासूम, महबूब अली, बसवराज और मंदिर के कई जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इंडियन भाषा ने इस मामले में MLA से बात की है, आप भी देखिए। आदाब नाज़रीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के जो अशोक डिपो से आम तालाब को जो रोड जाती है वहाँ पर करबला कट्टे के लिए एक ज़माने कबल यम मीराना साहब ने जगह दी थी और आज तक वो काम बाकी रहा, मगर आज यहाँ के रुकने असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने 8 लाख रुपए वक्फ ग्रांट सैंक्शन करा के सैयद मुख्तार जो वक्फ के मुतवक्का सदर हैं उनके हाथों से आज यहाँ की कला कट्टे की इफ्तिता थी और अभी अभी उन्हीं के हाथों इफ्तिता हुई। मैं डॉक्टर शिवराज पाटिल का ATV में इस्तकबाल करता हूँ। बहुत 35-30 साल से जो हमारा सबका लीडर रायचूर का अनडिस्प्यूटेड लीडर इरना साहब जो थे उनके हाथ से करबला के लिए समाज को जगह अलॉट करे थे और 30-35 साल से ऐसा ही जगह पड़ा था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हमारा मुख्तार सेठ जब अध्यक्ष बने, वक्फ अध्यक्ष बने, बनने के बाद में उसको 8 लाख रुपए हम लोग देना साहब बोलते हैं, मैंने सरकार की तरफ से उनको अलॉटमेंट करा के पैसा अलॉटमेंट करके आज काम पूरा हो गया। आज हमने समाज के लिए हैंड ओवर कर दिया करबला खट्टा, जो हमारा मुहर्रम के टाइम पे सब पिरल देवरो बोलते हमारे भाषा में, पिरल देवरो हम जो बिठाते वो हमारा हिंदू मुसलमान का भाईचारा है। हम मुहर्रम सब लोग बनाते, हिंदू भी बनाते, मुसलमान लोग भी वो फेस्टिवल बनाते। तो ऐसे दिनों में आज मुहर्रम का दिन चल रहा है, वैसे दिनों में हमने करबला कट्टा आज बहुत साहेब लोग रायचूर के तमाम मशहूर मस्जिद के साहेब लोग के उपस्थिति में हमने समाज को हैंड ओवर कर दिया है। इसके लिए और थोड़ा पैसे की ज़रूरत है बोल के बोले जो शेड डालने का है वो, और हमारा आज हमारा रायचूर का इस एरिया का नहीं है, पूरा जिला का बहुत फेमस टेम्पल है उरकुंदी इरन्ना टेम्पल और बहुत पावरफुल गॉडेस है। आज हमने हमारा ताता की आशीर्वाद लेने के लिए हमने उरकुंदी इरन्ना टेम्पल को भी विजिट करा और इनके लिए भी जो रथ रहता है उनका एक शेड बनाने के लिए भी हमारे से उन्होंने आज्ञा कर दिया है। हम जरूर उनके वो आज्ञा को पालन करके उस शेड को शेड करा देंगे, रथ के लिए शेड भी करा देंगे बोल के आपके सामने। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने सुना, मासूम भाई और महबूबली साहब डॉक्टर शिवराज पाटिल के सामने एक बात रखे थे कि यम मीराना ये साहब जो जगह दिए थे आज उस कट्टे के लिए इफ्तिता भी हुई, उसी के साथ में जो उरकुंदी इरन्ना का मंदिर है उसके सामने आप लबे सड़क पर जो रथ रखते हैं उसके लिए जगह और बाजू जो मस्जिद के लिए जगह है दोनों के कंपाउंड के लिए डॉक्टर शिवराज पाटिल से बात रखी थी, उसके बारे में भी आप बोला।
वो रथ के लिए भी मैं शेड करके देता हूँ और करबला कट्टा के लिए भी मैं शेड करवा के देता हूँ, बल्कि मस्जिद 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 के लिए करवा के मैंने मैं स्टेज पे ही हमारा मुख्तर सेठ को मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए है वो क्या क्या जरूरी कागज़ और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का है, सरकार को सबमिट करिए मैं अप्रूवल करा के देता हूँ बोल के मैंने वादा भी किया। आपका बहुत फंड बाकी है सर जो। अभी 3,20,00,000 रुपए हमने येडियुरप्पा की सरकार की अवधि में वक्फ से दिए है, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है रायचूर में सो इसके लिए थोड़ा लेट होता है, फिर भी हमने शायद हमारा मुख्तर सेठ जब से अधिकार संभाले है 1,20,00,000 रुपये उन्होंने खर्च करा है, बहुत पहली बार लगता मेरे को और इतने पैसे इतने कम वक्त में खर्च करे सो शायद अगले दिनों में थोड़ा हमारे को 1-2 महीने से कोरोना था, 3 महीना लॉकडाउन हो गया और 2 साल हो गया ऐसा ही चल रहा है सरकार, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा वो एस्टिमेट कराने में और डॉक्यूमेंट्स मिलने में तकलीफ हो रही है, शायद अगले दिनों में ये सब काम फास्ट होने की सदर का भी कई को पेंडिंग है नहीं 10,00,000 रुपये जो हमने दिए है वो थोड़ा पेंडिंग है उसके नहीं बोल रहा हूं सर मैं जो प्रेसिडेंट के वास्ते नहीं वो कोर्ट में केस चल रहा है शायद 1-1.5 महीना मैंने लास्ट टाइम हमारा पार्टी अध्यक्ष जी को भी बात करे है और अध्यक्ष जी से हमारा अटॉर्नी जनरल को भी प्रभु नावदगी को भी बात करे है, शायद थोड़ी दिनों में ये सब कांग्रेस की खेल है, वो जो डेवलपमेंट वर्क होना नहीं होना बोल के ये सब खेल है, वो खेल हमने कोर्ट में 100% जीतेंगे केस, वो कुछ डाउट नहीं। नाज़रीन मैं आपका मेज़बान एवन टीवी उर्दू में।